यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। चले रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। चंडीगढ़ से अगली बड़ी खबर आपको देंगे, जहां मुरथल गैंगरेप और आगजनी के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। तो बड़ी खबर आपको दे रखी है, जाट आंदोलन के दौरान जो मामला निकलकर सामने आया, जिसके आरोप लगे मुरथल गैंगरेप और साथ ही आगजनी का पूरा मामला, इसको लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। मामले में कोर्ट मित्र अनुपम गुप्ता ने कोर्ट के सामने साक्ष्य रखे हैं, सबूत रखे हैं। आपको बता दें कि सरकार जाट आंदोलन के दौरान के मुकदमे वापस ले रही है, केस वापस लिए जा रहे हैं। ऐसे में विशेष जांच दल ने स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है अदालत में। तो बड़ी खबर आपको चंडीगढ़ से दे रखे हैं, मुरथल गैंगरेप और साथ ही जाट आंदोलन के दौरान जो आगजनी हुई, उसको लेकर सुनवाई हुई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई की गई है। कोर्ट मित्र अनुपम गुप्ता ने कोर्ट के सामने साक्ष्य रखे हैं, सबूत रखे हैं। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, कुमार रमेश हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से फोन लाइन पर हैं। रमेश, क्या हुआ इस सुनवाई को लेकर जो कि मुरथल गैंगरेप और आगजनी मामले में हुई? देखिए, आज इस मामले में सुनवाई हुई और ये भी कहा गया कि सरकार जो है इस मामले में जो जितने भी केसेस दर्ज थे उनको वापस लेने जा रही है, जिस पर कोर्ट ने निर्देश दिया कि सरकार की तरफ से एफिडेविट पेश होना चाहिए कि सरकार इन मामलों में जो है केस वापस लेने जा रही है। क्योंकि जाट आंदोलन के दौरान ये कथित जो है मुरथल गैंगरेप मामला जो है सामने आया था, जिसके बाद सरकार ने कार्रवाई करने के लिए कहा, लेकिन कोर्ट के निर्देश पर ही सारा मामला शुरू हुआ। इससे पहले सरकार ने जो है मना करती आई कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और अब जब कोर्ट को जानकारी दी गई कि किस कदर जो है अब सरकार जो पीछे हट रही है और ऐसे मामले में से पल्ला झाड़ रही है, तो अब उन्होंने कहा कि कोर्ट ने कि इसमें पहले सरकार एफिडेविट दे, फिर आगे देखते क्या होता है। अब समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ से जो मुश्किलें बढ़ सकती है, अगर उस एफिडेविट को सरकार के एफिडेविट को कोर्ट रिजेक्ट कर देता है तो आप मान के चले जो केस सरकार रद्द कराना चाह रही है वो कहीं ना कहीं एक सवाल के घेरे में खड़ा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया रमेश आपका इस जानकारी देने के लिए। तो आपको याद होगा अमित शाह की 15 फरवरी को जब जींद में रैली थी, उस वक्त जाट नेता यशपाल मलिक के साथ बैठक की गई, साथ ही सरकार की ओर से घोषणा की गई। हालांकि उससे पहले भी घोषणा की गई थी कि जाट जो समुदाय के युवक रखे उनसे मुकदमे वापस लिए जाएंगे, प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। ऐसे में बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी तो सवाल खड़े करते ही रहे। ये मामला भी अदालत में चूंकि लंबित है और मामले में सुनवाई हुई है कथित मुरथल गैंगरेप के मामले और जाट आंदोलन के दौरान जो आगजनी हुई उसको लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट मित्र अनुपम गुप्ता की ओर से सबूत पेश किए गए हैं, साथ ही विशेष जो जांच दल है उसकी ओर से रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट जो है वो सौंपी गई है अदालत में। तो सरकार की मुश्किलें जाहिर तौर पर बढ़ सकती है। सरकार से जवाब मांगा गया है, एफिडेविट मांगा गया है सरकार से इस मामले को लेकर कि मुकदमे जो वापस लिए जा रहे हैं उस पर सरकार जवाब दे।